हम किसी से कम नहीं, ये साबित किया है मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने। बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। सेल्फ ड्राइव लोडर का सनती नुमाइश में अमली मुजाहरा किया गया। प्रोजेक्ट के सरबरा कहते हैं गाड़ी तैयार करने में 4 बरस लगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था जो हमें दिया गया था 14.5 मिलियन का, कि हमने पाकिस्तान की पहली सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट व्हीकल बनानी है, जिसका मकसद ये था कि ये इंडस्ट्री के लिए सामान एक जगह दूसरी जगह ले जा सके विदाउट ह्यूमन ड्राइवर। अब ये जो टोटल लागत है वो है हमारे पास 1.3 मिलियन, और इसकी जो ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है वो आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी यहाँ पर लॉन्च की गई है, ओवरऑल पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान में सेल्फ लोडर मशीन पहली बार तैयार की गई है। इसे सेंसर्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सनती नुमाइश में रखे गए मॉडल्स और तलबा के आइडियाज को देखकर लगता है कि पाकिस्तानी नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसी पे बात करेंगे, डायरेक्टर और एक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल रियाज साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। Thank you very much. First of all, I have to say thanks to Sama that they have given a chance to explain the technology. Allah ke fazl se 4 saal pehle government of Pakistan ne hame ek project diya tha self driving vehicles technology banane ke liye Pakistan mein, kyunki puri duniya jo hai wo self driving vehicles ki technology ki taraf ja rahi hai. Jaise ki Tesla hai, Apple hai, aur Microsoft wale hain, wo bhi koshish kar rahe hain ki wo self driving vehicles technologies mein kaam kare. तो 4 years ago हमें ये प्रोजेक्ट मिला 14.5 मिलियन का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग लॉजिस्टिक व्हीकल तैयार की है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में इस्तेमाल होगी। इसका जो मेन पर्पस है कि ये 350 किलो तक का वजन उठा सकती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये आपके विद इन सी पैक और आपके जो वेयर हाउसेज हैं, आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो लास्ट माइल सोल्यूशन हैं, वहाँ पर यह इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा रियाज साहब, इस स्मार्ट लोडर की तैयारी कब शुरू होगी? सालाना ऐसे कितनी व्हीकल तैयार की जा सकेंगी? जी अभी हम जो नेक्स्ट फेज में काम करें, इंशाल्लाह ताला हम इसको 15 से 20 जो है वो लॉजिस्टिक व्हीकल्स पर ईयर हम तैयार कर सकते हैं। हमने इसके लिए फर्दर जो है वो फंडिंग जो है वो अप्लाई भी की हुई, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम उम्मीद रखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो सिर्फ स्पेशली तवज्जो देंगे, और हम चाह रहे हैं कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएं यहाँ पे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि हम फर्दर फ्यूचर में यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट बहुत कम पाए जाते हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो ये हम 15 से 20 जगहों पर ईयर हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा ये बताएँ कि जो हमारा सनती शोबा है और जो ज़रात के शोबे से, इस आपके प्रोजेक्ट से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम इसको एज अ ऑटोनमस ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों के बीच में, और विदाउट एनी, यानी कि अगर आपका एक प्रॉब्लम है वहाँ पे वेदर जो है वो बड़ा सीवियर किस्म का है और आप चाह रहे हैं कि आपके जो हैं वो वहाँ पर फसलों को काश्त किया जाए, तो ये एज अ ऑटोनमस ट्रैक्टर इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि फसलों को एक जगह से दूसरे तक लिया जा सके फील्ड्स के अंदर, तो ये एज अ लोडर इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्री सनती शोबे में चाहते हैं कि सप्लाई चेन तक वेयर हाउसेज का सामान तेजी से पहुंचाया जाए, क्योंकि लेबर जो है वो पूरी वर्ल्ड में शॉर्टेज हो रही है, जैसे स्पेसिफिकली जापान के अंदर, और वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि उनको लेबर दी जाए, तो हम उसकी जगह उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा जर मुबादला कमा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑटोनमस टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है पाकिस्तान में जर मुबादला लाने के लिए। ठीक है, लास्ट में क्विकली एक सवाल का जवाब दे दें कि लागत कितनी आएगी? जी ओवरऑल 1.3 मिलियन की ये एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है वो तैयार हो जाती है, और हम इसकी कास्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। हम टेस्ला से बेटर जो है वो टेक्नोलॉजी में तो अभी हम कोशिश करें और बेटर हों, लेकिन जो उससे हम कास्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दिया वो उससे हम बहुत अच्छे हैं। टेस्ला जो है वो बहुत एक्सपेंसिव किस्म की जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो हमारी जो जो कार लैब है जो कि नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के साथ मिलकर काम कर रही है, इसने एक चीप जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, और ये अगर बल्क में बनती है तो लागत में कमी हो सकती है? जी एग्जैक्टली, हम इसमें 1.3 मिलियन में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया फैसल, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और तरक्की की जितनी जितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहते हैं ना, उतना ही फ़ख्र आप खुद पर महसूस करते हैं।